भाई आज क्रैश में गाड़ी चेक करा रहे हैं। शादे भाई भी हैं, ये एक बार 17-21 की है। उबैद भाई आ रहे हैं, ट्राई वाई में गए हैं। शादे भाई गैंगस्टर, क्या हाल है, खुशी हैं आप? वलीद भाई है मेरे साथ, रूह भाई हैं, ये समी भाई हैं। 0 मीटर गाड़ी बेचने के लिए ली, ये चेक कराएं, टचअप चेक करा लिया, सारी ओके, बाकी ये बैटरी वगैरह सब चेक हो, फाइल चेक होगी, फिर ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। भाई अभी आए हैं गाड़ी में, ये स्कैनर लग रहा है जो कल लग रहा था उसमें, वो थी थी अपनी वो फ्रीड में। तो ये क्या है शादी, ये क्या है, एक वो एक्स एस एस पुश स्टार्ट, और पैनासोनिक से ज्यादा है, फ्रीड बोल रहा हूँ, स्पोर्टेज हमने ली थी ना, वो इन भाई से ली थी, असफन भाई मेरे साथ है, इनसे मैंने स्पोर्टेज ली थी वाइट वाली। खुश हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, माशाल्लाह। ये तो गैंगस्टर है सादे भाई बोलो ना कुछ वीडियो में यार, कोई इंटरेस्टिंग मतलब करूँ ना, आप यूं समझो मेरी वीडियो के लिए जोक करो, हंसाते हो लोगों को। एडिटिंग करिए ना, वो डाल देना। हाँ वो हाँ सही है, उस्ताद आ गया, उस्ताद आ गया, उस्ताद आ गया, उस्ताद सही पलक शॉट है। उबैद भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? यार मजे में, तबे सही है भाई, वीडियो में आ रहे हैं ना, हाथ नहीं मिलाएंगे। चेक करेंगे सारा, बैटरीज होंगी और सारा इंजन वगैरह और फिजिकल इंजन देखेंगे। गाड़ी हमने ले ली है, अब यहाँ से हम डिलीवरी लेने आए इनके घर पे, दोस्त हैं, डिलीवरी लेके अब देखता हूँ। फ्रीड खड़ी है उधर अखिल भाई के पास, बस खड़ी है, साउंड सिस्टम लग रहा है, और इसमें भी काम है छोटा मोटा, कल 14 अगस्त है तो इसलिए शायद बंद है सारी मार्केट पूरी बंद है। चेकिंग सारी हो गई, कल था 14 अगस्त तो इसलिए गाड़ी बंद कर दी थी, आज 15 आज निकला हूँ, 29 का एवरेज दे रही है माशाल्लाह से। तो अभी जा रहा हूँ शोरूम, काम है, उसके बाद अखिल भाई के पास जाऊँगा। एक तो ये हॉर्न चेंज कराना है, इसके फोक लाइटें ख़राब है वो चेंज करानी है, क्योंकि लोग कराते नहीं काम यार, और मुझे ऐसे बेचनी नहीं, मुझे गाड़ी टिप टॉप अच्छी लगती है। उसके बाद इसकी लाइटों में मिट्टी गई है, मिट्टी क्यों गई है उसके हम बाद में बात करेंगे, मिट्टी क्यों गई है। और क्या काम है, सफाई का काम है, मुकीम भाई का काम है, उन्होंने मुझे कल नहीं परसों का बोला है कि आप गाड़ी छोड़ो, बाकी ओके। बाकी एयरिस खड़ी है, उसकी पार्टी आ रही है, देख के जा रही है, कोई ना कोई आएगा खुद ही लेके जाएगा। इसको डिटेलिंग का हाथ लगेगा, मतलब मेरा हाथ लगेगा, गाड़ी पूरी गंदी हो रही है, देखिए मिट्टी भरी है सारी, सारा ये सामने ये पूरा पैनल वैनल सारा गंदा लगा पड़ा है। और अभी शादे भाई को उठा रहा हूँ, वो सामने खड़े हुए 7 नंबर में, यार एवरेज देखो उसका कितना आ रहा है, 29 का। शादे भाई आ रहे हैं, उसको पता नहीं वीडियो चल रही है, अभी शरीफ हो जाएगा। शादे भाई गैंगस्टर, क्या हाल है? आप बताओ, तो ठीक है? हाँ यार सही हुई है फाइनली, और सुनाओ सब खैर है? एवरेज देख, ये भी उतरेगा इसका स्टीयरिंग कवर। और आप खुश हैं शादे भाई? अल्लाह का शुक्र। क्या कहाँ जा रहे हैं? बेंगलुरु। जितने भी लोगों ने सारे वीडियोस पे कमेंट किए हैं ना यार, मैं जवाब सबको दूंगा इंशाल्लाह टाइम निकाल के, कमेंट सबके मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। दूसरा ये कि यार इसका इको मोड पे इसका एवरेज जो है ना 16-17 हो जाता है, इको वन डे भी तो 28-29 हो जाता है, तो ये मुझे यार बताना क्या सीन है इसका इको का। और मेरी उसमें फ्रीड में तो इकोन का बटन है, वो शायद वो तो मैंने चेक नहीं किया बंद करके के क्या है, इसमें तो यार दिन रात का फर्क आ रहा है, 15 किलोमीटर का फर्क आ रहा है पूरा। अभी 15 से कल उस दिन हम ले रहे थे ना, 16 से ऊपर जा ही नहीं रही थी गाड़ी, इको बंदे तो जा रही है, इस क्या सीन होता है इसका मुझे आप बताना। और अभी शोरूम वाला काम हो गया, शादे भाई के साथ आया था, बैंक मैन का काम था कोई, हो गया है वो, अभी जो है ना इसका हम काम कराएंगे तब आपसे मिलते हैं। इसकी मैंने बैटरी भी चेक कराई भाई से, ABS भी चेक कराया, बैटरी 86% है,
और बाकी इंजन वगैरह सब ओके है, एबीएस भी ओके है, और क्या चेक कराना होता है, और कोई कोड वगैरह तो नहीं आ रहा, वो भी सारा चेक करा है, वो भी नहीं आ रहा, बस ये चीज़ें सारी चेक कराए। आपको भी हैदराबाद में चेक करानी हो ना ये सारी चीज़ें तो वो करते हैं। गाड़ी ऐसी है जा, अभी देखना चल रहा था तुम आगे से ऐसे उठ जाती है गाड़ी पूरी, टैंक खाली है, इसलिए इसमें 5,000 का पेट्रोल डलवा रहा हूँ। अभी वैसे ही महंगा हो रहा है, 274 है, भी 20 रुपये शायद महंगा हो रहा है। इसके बाद जाऊँगा घर खाना खाने, फिर उसके बाद अकील भाई के पास जाऊँगा। 18 लीटर आया है, 18 लीटर में एक टैंक से, एक हाफ टैंक से चल जाता। लाइट कल साफ होगी, इंजन रूम भी साफ होगा, उधर मिले मेरे साथ। और ये हसनैन है, क्या हाल है हसनैन, पूछो। फोग पार्किंग लाइट लग रही है वाइट, आए है ये वीआईपी हो गया। फोग लाइट सारी ख़त्म लगी पड़ी, ये चेंज हो रही है, और इसमें जो है ना यार इससे जो निकली थी लाइट वो लग रही है, वो आपको चेक करा दे, रोशनी उसकी बिल्कुल बेकार है। शीट तो और भी उतरेंगे, एक फटा हुआ इसलिए अकील भाई ने बोला, ग्रिप टू ग्रिप है। बहुत तेज है लाइट, हाँ ये बेकार है क्वालिटी, C6 वाली क्वालिटी है। हाँ तो थ्रो है ही नहीं, अब असल बल्ब की पहचान होता हूँ मैं, बोले वो देख लो ट्यूब है, ये भी ट्यूब है, असल बल्ब ये होता है रेडी वाला, रेडी वाला हाँ ट्यूब है, सही बोल रहा है, ट्यूब है ना, ये ट्यूब बेकार होती है। अबे नीचे भी LED लगी हुई है पहले से ही, तो सही है, फिर वो C6 नहीं लगाई, जल्दी है तो फिर वही लगा दिया ना उन्होंने, ना कवर नहीं निकाल दिया है कवर पीछे वाला, इसलिए ये मिट्टी गई है इसके अंदर, वरना जैपनीज गाड़ी में कभी हो ही नहीं सकता मिट्टी जाए ऐसे लाइटों में। ब्रेक तक के अंदर चले गए, हाँ ना सारा साफ होगा खुल के भाई, ये पहले और ये रोशनी थी, फॉग लाइट बंद करो, बस ठीक है, वैसे भी इसको आ रहा है। अब हटियो, ये भी हमने लगाई इस साइड, बैठो, ये हमने लगाई VIP होगा ना, VIP रोशनी हो गई ज़बरदस्त। स्टेयरिंग कवर उतारा है, बिल्कुल 0 मीटर निकला स्टेयरिंग अंदर से, और सीट कवर भी उतार दिए, एक फटा हुआ था तो अकील भाई ने बोला इसकी निकाल दो सीट कवर, और LED लाइट भी लग गई, LED लाइट जो है ना इसका थोड़ा सा सेट होगा, ये जो थोड़ा साइडों में इधर उधर जा रहा है, सेट होगा कल इंशाल्लाह सेट कराता हूँ, बाकी पहले से बहुत बेहतर है। ये देखो ना एक्वा जो है ये चलती है बैटरी पे, अभी देखो चल रही है बैटरी पे, अभी हल्की रेस पे चल रही है, 43 पे चला रहा हूँ उसको, 60 पे भी इतने में ऐसे चलती है, 70 पे भी ऐसी चलती है, अगर मैं थोड़ा सा उसको ज़्यादा रेव करूँगा ना, अभी आप नोट करना, मैं रेव कर रहा हूँ उसको, ठीक है, ये देखो इंजन से आई पावर, इंजन और बैटरी दोनों से, तो ये जो है ना चलती है ऐसे, फ्रीड ऐसे नहीं चलती, फ्रीड के बारे में मुझसे बहुत सारा लोगों ने पूछा था, क्योंकि उसमें वो असिस्ट है, असिस्ट पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, IMA ऐसे पूरा उसकी फुल फॉर्म मुझे पता नहीं है, वो असिस्ट है उसमें, तो उसमें इसलिए ऐसे नहीं होता, वरना उसमें हो यही रहा होता है, लेकिन वो क्या बोलते हैं इंजन उसका चलता रहेगा 2000 RPM पे, मतलब उसके साथ चलता रहेगा बैटरी के साथ। तो ये था व्लॉग, मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, शुक्रिया।